Hello students, welcome to BBVN online classes. And in our previous video session, we were reading the chapter The Child's Letter, and this chapter is mainly written by इंग्विन फिल्ट, जिनका जन्म हुआ था 1850 में और 1895 में उनकी डेथ हुई थी, जो कि पॉइंट ऑफ चाइल्डहुड के नाम से भी जाने जाते हैं. तो सो फार इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो गवर्नर है, ही वॉज वेरी मच एंग्री. वाई सो? बिकॉज उसने डिसीजन दिया है कि एक व्यक्ति ने एक क्राइम किया है, उसकी फैमिली जो है, वही बंदा वही व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, उनकी फैमिली की देखभाल करता था. अब जब वो इम्प्रिजन्ड है तो उसकी फैमिली की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो सब लोग जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है और गवर्नर से ये अपील करते हैं कि प्लीज़ आप जो है अपना माइंड चेंज करिए, अपना डिसीजन चेंज कर दीजिए, क्योंकि उस पर्सन ने बहुत छोटा सा काम किया है. और इसी से रिलेटेड जो पर्सनल के साथ साथ बिजनेस साथ साथ में पर्सनल ईमेल्स एंड लेटर्स जो हैं वो भी गवर्नर के पास में पहुंचते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा अनॉय हो जाता है, इरिटेट हो जाता है. देन वो फिर पूछता है, देर आर नो मोर आई सपोज. The secretary made no reply, which was unusual. जब भी काम ख़त्म हो जाता था तो secretary कहता था कि हाँ सर, बस इतना ही था, लेकिन इस बार secretary ने कोई reply नहीं दिया, जो कि थोड़ा सा अजीब था. The governor, experienced and shrewd as he was, suspected something. जो governor थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे और वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है. ही व्हील्ड इन हिज चेयर एंड सर्चिंगली रिगार्डेड द सेक्रेटरी ओवर हिज स्पेक्टिकल्स. फिर वो अपनी व्हील को, मतलब चेयर को व्हील करते हुए सेक्रेटरी तक पहुँचे और जो है उससे पूछताछ करने लगे. ही सो दैट द सेक्रेटरी वॉज स्ट्रेंजली एम्बेरस्ड. उन्होंने देखा, गवर्नर ने ये नोटिस किया कि सेक्रेटरी जो है वो पता नहीं क्यों पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हैं. यू हैव नॉट शोन मी ऑल, हैव यू? सेड द गवर्नर स्टर्नली. वॉट इज इट यू हैव कैप्ट बैक? तो फिर गवर्नर जो हैं वो काफ़ी ऑर्डरली वे में कहते हैं कि तुमने मुझे सारे पेपर्स नहीं दिखाए हैं, क्यों? क्या तुमने कोई अपने पास में रखा हुआ है? द सेक्रेटरी सेड, आई हैड थॉट नॉट टू शो इट टू यू. इट इज़ नथिंग बट अ लिटिल चाइल्ड्स लेटर. आई थॉट आई शुड नॉट बादर यू विद इट. तो सेक्रेटरी जो है वो जवाब देता है कि मैं ये सोचा कि मैं ये खत आपको नहीं दिखाऊंगा. ये और कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बच्ची है जिसका आपके लिए लिखा गया लेटर है, और मैं आपको इस लेटर के थ्रू परेशान नहीं करना चाहता. द गवर्नर वॉज इंटरेस्टेड. लेकिन गवर्नर जो है उनको सुन के बड़ा ही इंटरेस्ट हुआ. अ चाइल्ड्स लेटर, वॉट कुड इट बी अबाउट? एक बच्ची का लेटर आया है मेरे लिए, किस सिलसिले में? सच अ थिंग हैड नेवर हैपेंड टू हिम बिफोर. क्योंकि इससे पहले गवर्नर को किसी भी छोटी बच्ची ने लेटर नहीं लिखा था. अ चाइल्ड्स लेटर, लेट मी सी इट, सेड द गवर्नर. एंड ऑल दो हिज वॉइस वॉज हार्श, सम वॉट ऑफ अ टेंडर लाइट केम इन टू हिज आइज. तो फिर उन्होंने अपनी हार्श वॉइस में कहा कि एक बच्ची का लेटर आया है, लाओ दिखाओ मुझे. और फिर गवर्नर की वॉइस जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा कड़क थी, हार्श थी, लेकिन उनकी आंखों में जो एक बच्ची को लेकर टेंडरनेस है, सॉफ्टनेस है, वो क्लियरली सेक्रेटरी ने नोटिस की. इट इज़ नथिंग बट अ स्क्रॉल, एक्सप्लेन द सेक्रेटरी. एंड इट कम्स फ्रॉम द प्रिजनर्स चाइल्ड, मॉन्टकंटॉन्स लिटिल गर्ल, मॉकटॉन द फॉर्जर, यू नो. तो फिर उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ एक लेटर है जो कि सेक्रेटरी, जो प्रिजनर है, उसकी बच्ची ने लिखा है, और उसी की एक छोटी बच्ची है जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, मॉकटॉन, जो फ्रॉज किया था जिसने, जिसको आपने पनिशमेंट दिया है. ऑफकोर्स देन इन लिस्टिंग टू इट और मेयर स्क्रॉल, फॉर द चाइल्ड इज़ ओनली 4 years old. और बिल्कुल ये और कुछ भी नहीं है, केवल ऐसे ही कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे जो है वो केवल 4 साल के, तो वो और लिख भी क्या सकती है.
But the gentleman who sent it says the child brought it to him and asked him to send it to the governor and then perhaps the governor would send her papa home. लेकिन secretary ये भी add करता है कि जो gentleman ये वाला letter उस बच्चे से लेकर आया था उसने ये कहा था कि उस बच्ची ने governor से कहा है कि ये लेटर जो है वो आप गवर्नर को दे देना ताकि वो मेरे पापा को घर वापस भेज देंगे. द गवर्नर टुक द लेटर एंड स्कैन्ड इट क्यूरियसली. गवर्नर ने सेक्रेटरी से वो बच्चे का लेटर लिया और उसे बहुत ही अच्छे से देखा. व्हाट अ वंडरफुल लेटर इट वाज एंड हु बट अ लिटिल चाइल्ड कुड हैव रिटन इट. फिर उन्होंने अपने मन में सोचा कि कितना सुंदर लेटर है और कोई दूसरा तो इतना सुंदर लिख ही नहीं सकता जितना कि एक बच्चा लिख सकता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो मेनली क्या होते हैं बहुत ही इनोसेंट होते हैं. सच स्ट्रेन मार्किंग एंड सच क्रूक्ड लाइन्स ओ इट वॉज अ वंडरफुल लेटर एज यू कैन इमेजिन. जो मार्किंग्स करी हुई थी जो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी थी वो गवर्नर को बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी क्योंकि वो एक छोटे बच्चे ने अपने वे में लिखा था. But the governor saw something more than the strange marking and crooked lines and rude pencilings. लेकिन गवर्नर जो है इस टाइम पर कुछ और ही चीज़ नोटिस कर रहा था. उसे सिर्फ स्ट्रेंज मार्किंग्स नहीं दिख रही थी, लाइन्स इधर उधर जाती नहीं हुई दिख रही थी और रूड पेंसिल नहीं दिख रही थी. यानी कि जो उसकी राइटिंग है गवर्नर उस चीज़ को नोटिस ना करके कुछ और ही देख रहे थे. ही कुड सी एंड बिटवीन द लाइन्स ऑफ द लिटिल चाइल्ड्स लेटर एस स्वीटनेस एंड पैथोस ही हैड नेवर सीन बिफोर. उन लाइन्स के बीच में उन लाइन के अंदर उसको जो है गवर्नर को एक तरीके से बहुत ही ऐसा कुछ दिख रहा था कि जिस बच्चे की स्वीटनेस जो है पैथोस का मतलब होता है समथिंग दैट मूव्स वन टू फील पिटी. यानी कि उसे उस लेटर को पढ़ के उस चाइल्ड पर बहुत प्यार आ रहा था, बहुत पिटी हो रही थी उसके लिए जो कि शायद उसने गवर्नर ने कभी किसी के लिए फील नहीं की थी. ऑन द क्रम्पल्ड शीट ही फाउंड अ लव लाइक द लव हिज प्रिवर्ट हार्ट हैड वेनली यर्न्ड फॉर ओ सो मैनी ईयर्स. सो ऑन द क्रम्प्ड शीट, तो वो जो शीट है जो पेपर है वो थोड़ा सा उसमें रिंकल्स हो गए थे मुड़ने की वजह से. ही फाउंड अ लव लाइक द लव हिज प्रिवर्ट हार्ट हैड वेनली यर्न्ड फॉर ओ सो मैनी ईयर्स. और उसने उस लेटर में वो प्यार जो है पा लिया था जिस प्यार की वो कई सालों से अपने मन में इच्छा लिए बैठा था. ही envisioned a little head bending over the crumpled page. वो विजन कर रहा था, ये इमेजिन कर रहा था कि एक छोटा सा जो सिर है वो बेंट करके इस crumpled पेज पर बैठा हुआ होगा. a dimpled hand toiling as its labor of love. और वो अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से बहुत ही मेहनत करके बहुत ही प्यार से ये लेटर उसने लिखा होगा. and an earnest little face smiling at the thought this labor would not be in vain. और एक छोटा सा फेस जो है वो बड़ी ही स्माइल के साथ में ये लेबर कर रहा होगा इस लेटर को लिखने का क्योंकि उसे पता था कि उसका जो भी वर्क रहेगा वो क्या नहीं होगा, वैन नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा. एंड हाउ वियरली द लिटिल हैंड ग्रू एंड हाउ स्लीपी द लिटिल हैड बिकम. कितनी मुश्किलों से उसने अपने छोटे छोटे हाथों से ये लेटर लिखा होगा और वो जो है हेड जो है उसे बीच बीच में तो नींद भी आने लग गई होगी. बट द लॉयल लिटिल हार्ट थ्रॉब्ड ऑन एंड ऑन विद पेशेंट जॉय एंड नीदर हैंड नॉर हेड रेस्टेड टिल द टास्क वॉज डन. लेकिन गवर्नर ये इमेजिन कर रहे हैं कि उस छोटे से बच्चे का हार्ट जो है वो इतना ज़्यादा लॉयल रहा होगा कि जब तक कि उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया खुशी के साथ में वो जो है रुकी नहीं होगी. इट मीन्स कितनी भी वो थकी हुई हो उसने अपना काम छोड़ा नहीं होगा. सो स्वीट इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड. फिर गवर्नर जो है वो अपने मन में ये फील करते हैं कि कितना छोटा सा, कितना स्वीट सा, कितना प्यारा सा चाइल्डहुड है जो कि यहाँ पर वो बिता रही हैं. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि उसने लेटर में क्या लिखा होगा. थैंक यू.